हम लोगों ने जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली, यूज़र नेम डिस्कस कर लिया, नेम डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक आपके पास आते जाएंगे कितनी पोस्ट की हैं, कितने फॉलोअर्स हैं और कितनी आप लोगों की जो है वो फॉलोइंग है, तो वो सारे आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद फॉलोड बाय जो भी आपके जो लोग जिनको आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनमें से जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये सेक्शन होता है जिसको बोला जाता है हाईलाइट्स सेक्शन। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये मुख्तलिफ जो है वो हाईलाइट सेक्शन जो है वो यहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हाईलाइट सेक्शन जो है वो बेसिकली कैसे बनता है या किस तरह से जो है वो बनाया जाता है, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है वो स्टोरी के अंदर जो है वो पोस्ट वो शेयर जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। स्टोरी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसको शेयर करना है और फिर जब स्टोरी आप लोग देख रहे होते हैं तो उसके साथ नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शंस जो है वो आ रही होती हैं कि ऐड दिस टू हाईलाइट सेक्शन। तो ये हाईलाइट सेक्शन जो है वो कैसे बनाया जाता है, इसको जो है वो हम लोग बनाना जो है वो सीखते हैं अभी। अच्छा जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमने जब भी हाईलाइट सेक्शन के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को ऐड करना है तो सबसे पहले हमें स्टोरी जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। तो स्टोरी शेयर करने के लिए सबसे पहले प्लस बटन के ऊपर जो है वो एक दफ़ा क्लिक करें और कोई भी एक पिक्चर एज अ स्टोरी जो है वो ऐड कर लें। तो ये स्टोरी के ऊपर सबसे पहले क्लिक करें, दरमियान ये जो पोस्ट स्टोरी रील जो है वो आ रहा है जी स्टोरी, और इसमें गैलरी जो है वो सिलेक्ट कर लें। ये जो गैलरी ऑप्शन आ रही है साथ बॉटम लेफ्ट साइड पे गैलरी ऑप्शन लेफ्ट साइड पे, हाँ ये आ गया है। चलें जी, अब ये एक हमारे पास जो है वो पिक्चर आई, इसको हमने जो है वो अपनी स्टोरी के अंदर शेयर करना है। अभी स्टोरी किस तरह शेयर की जाती है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, उन पे नहीं जा रहा फिलहाल, सिर्फ इसको जो है वो शेयर कर दें आप। तो ये एरो बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें शेयर। तो जैसे ही आप लोग करेंगे इसको तो ये ऊपर पहली ऑप्शन आ रही है ऐड टू हाईलाइट्स, लेकिन समटाइम ये यहाँ पे जो है वो नहीं आ रही होती, इसलिए अभी इस ऑप्शन को मैं जो है वो नहीं छेड़ता। तो ऐड टू हाईलाइट्स यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं या दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसको डन कर दें एक दफ़ा। ठीक है, ओके कर दें। अब ये जो आपके पास ऊपर प्रोफाइल पिक्चर आ रही है उसके ऊपर टैप करें एक दफ़ा तो आपकी स्टोरी वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसके नीचे आ रहा है हाईलाइट वाला, इस हाईलाइट्स के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है न्यू हाईलाइट और इस हाईलाइट का नेम जो है वो क्या रखना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ हाईलाइट्स की एक थीम जो है वो कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, आप लोग अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ आयात की एक जो है वो बना सकते हैं हाईलाइट, हदीस की बना सकते हैं, ट्रैवल की बना सकते हैं, फूड की बना सकते हैं, कस्टमर जिन्होंने भी जो है वो आपको रिव्यूज़ जो है वो प्रोवाइड किए हैं, टेस्टिमोनियल जो है वो प्रोवाइड किए हैं, कोई ऑर्डर्स कंप्लीट की है, किसी भी किस्म की हाइलाइट्स जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो आपने ये जो है वो इसको मोटिवेशन कर लें, डेली मोटिवेशन कर लें या आयत कर लें, कुछ भी इसका नेम जो है वो एक रख दें, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो ऐड आयत, सिर्फ आयत कर दें, वन ना करें, चलें ऐड बटन पे क्लिक कर दें। अब अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएं, इसको डन करें और प्रोफाइल पे आ जाएं एक दफा अपनी। प्रोफाइल पे बॉटम राइट साइड पे प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें आपके पास आयत के नेम से हाईलाइट जो है वो एक ऐड जो है वो हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह और हाईलाइट्स पहले से बना के जो है वो रखना चाहते हैं तो आगे प्लस बटन भी अब आप लोगों के पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया है, उस प्लस बटन से भी जो है वो आप कर सकते हैं। प्लस अब जब भी न्यू कोई स्टोरी जो है वो ऐड करेंगे तो इसी हाईलाइट के अंदर अगर जो है वो और इमेजेस ऐड करना चाहें या दूसरी हाईलाइट्स में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल
अगेन एक और स्टोरी है वो शेयर कर दें, कोई भी एक रैंडम पिक्चर बाद में ये रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं। बैक जाएं, प्लस बटन पे क्लिक करें, उसी तरह से स्टोरी जिस तरह शेयर जाती है। चलें ये ऑर्डर नाउ, अब ये जस्ट एग्जांपल अगेन इसको शेयर कर दें एक दफा। ठीक है, अब यहां से डायरेक्टली कैसे करेंगे, ऐड टू हाईलाइट बटन पे क्लिक करें तो यहां पे आ रहा है। अगर ऑलरेडी उसी में आपने ऐड करनी है जो पहली ऐड की थी तो उस पर टैप कर देंगे, न्यू आपने हाइलाइट्स बनानी है तो न्यू बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो एक चीज याद रखनी है, इनकी भी एक थीम, स्पेसिफिक थीम जो है वो होनी चाहिए। लाइक ट्रैवल है तो सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड, फूड है तो सिर्फ फूड से रिलेटेड, रिजल्ट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, केस स्टडीज हैं, पोर्टफोलियो है, कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ से स्पेसिफिक जो है वो आपने उसकी जो है वो हाइलाइट्स जो है वो बना लेनी है। तो ये सिंपल हमारे पास वे था हाइलाइट्स का, कि हाइलाइट्स वगैरह हम लोग किस तरह से बना सकते हैं।